तो कितना स्वच्छ दिख रहा है आज। आज आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर टाउन, आज आपको भारत देश की हर गली कूचा इस तरह से ही साफ दिखाई दे रहा होगा। अब क्यों दिखाई दे रहा होगा? क्योंकि स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है। आज 1 अक्टूबर है और माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वच्छता का एक कदम उठाया गया था। और आपको बता दें, हर साल इस स्वच्छता अभियान को जो है वो चलाया जाता है। इस साल भी जो है इस अभियान को चलाया जा रहा है। और इस अभियान के बीच आपको मैं ये भी बता दूं कि हर किसी से कहा गया था, अपील की गई थी कि 1 अक्टूबर, 1 घंटा और 1 साथ सभी को जो है वो अपनी शर्म छोड़कर स्वच्छता की ओर जो है वो लगाना है। यानी कि 1 अक्टूबर के दिन 1 घंटा सभी लोगों को एक साथ जो है वो गार्बेज को, अपनी शर्म को छोड़ के अपने हाथों से उस गार्बेज को उठाकर उस डस्टबिन जहां पर उसकी असल जगह है उसे वहां पर डालना है। मैं आपको बता दूं कि आज आप देश के अंदर तरह तरह की जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में किस तरह से स्वच्छता जो है वो अभियान चल रहा होगा वो आप तक तस्वीरें पहुंच जाएंगी। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो की बताएं तो, खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्राउंड ज़ीरो की अगर बताएं तो बेहतरीन काम और बेहतरीन, मैं आपको बता दूं कि अवेयरनेस को जो है वो आज किया जा रहा है, खास करके म्यूनसिपल कमेटी और साथ में ईओ डोडा उमर जी के द्वारा से जो है वो कदम जब उठाए गए और खास करके जब आज शुरुआत कर दी गई स्वच्छता अभियान की, उन्होंने ये भी कह दिया यूथ वर्सेस गार्बेज, यानी कि यूथ और गार्बेज की जो है वो लड़ाई है और गार्बेज को सही जगह पर हमें पहुंचाना है। सभी बच्चों को उन्होंने अवेयर किया, स्कूल तक पहुंचे, हर डिपार्टमेंट तक पहुंचे। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ पर DSP डोडा हेडक्वार्टर जसवंत सिंह और साथ में SHO डोडा अरुण शर्मा भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपने पुलिस स्टेशन के अंदर हर जगह पर सफाई की और बच्चों तक को जो है वो अवेयरनेस देने की कोशिश की कि हमें किस तरह से अपनी गली, अपना मोहल्ला साफ रखना है। जैसी आज हमें तस्वीरों में ये अपनी जगह दिख रही है, अपना रोड दिख रहा है, अगर हम निकलते थे तो हमें गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही थी। सिर्फ ये गंदगी या ये सफाई एक दिन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर रोज़, सिर्फ मुहिम के तहत नहीं बल्कि हर रोज़ अपने घर की तरह, जिस तरह से हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, जिस तरह से हम अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने गली मोहल्ले को जो है वो स्वच्छ रखना है। इसमें आज सभी डिपार्टमेंट्स ने योगदान दिया। मैं आपको बता दूं, लगभग 50 डिपार्टमेंट्स हैं जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करते हैं और उन्होंने आज जिस दिन छुट्टी थी उस दिन जो है सभी आकर जो है वो इस मुहिम की शुरुआत की। सभी जानते हैं संडे है, कोई भी नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी सभी आए, सबके अच्छे एफर्ट्स देखने को मिले और इस मुहिम की शुरुआत की और अपनी गली मोहल्ला, अपने डिपार्टमेंट्स को, हर जगह को जो है वो साफ स्वच्छ करने की कोशिश की। और सबसे बेहतर रोल जो है वो बच्चों का है, स्टूडेंट्स का है और ख़ास करके जो स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, बॉयज़ हाई सेकेंडरी, गर्ल्स हाई सेकेंडरी, शाइन पब्लिक स्कूल या अन्य स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने बेहतरीन इस मुहिम को चलाया और अपने गली मोहल्ले और अपने स्कूलों को साफ करने में, स्वच्छ करने में एक बढ़ावा, एक कदम जो है वो आगे लाया। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है वो स्वच्छता की तरफ जो है वो भारत बढ़ चुका है और ग्राउंड ज़ीरो में डोडा भी जो है वो स्वच्छता की ओर बढ़ चुका है। लेकिन अपील सिर्फ इतनी है लोगों से, सभी लोगों से, जिस तरह से स्वच्छ खुद को रखते हैं, अपने घरों को रखते हैं, उसी तरह से अपने गली मोहल्ले को भी जो है वो रखें। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर रोज़ जो है वो स्वच्छता हमारे भारत में होनी चाहिए। आपका इस सब पे क्या कहना है और आपने अपने घर स्वच्छ किया या नहीं, इस सब पर ज़रूर बताएँ। क्या आपने अपने गली मोहल्ला जो है वो साफ़ किया कि नहीं, ज़रूर बताएँ। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। राहुल कुमार, शाहीन पब्लिक।
राहुल मेरे को बताएंगे आखिरकार आज क्या है और जो हम आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जो कि केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया था स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम, और साथ में इसे आज पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, और साथ में हमारे जिला प्रशासक माननीय श्री विशेष पाल महाजन जी ने भी इसका आदेश निकालते हुए कह दिया था कि हर एक स्कूल इसमें रविवार को पार्टिसिपेट करेगा, चाहे सरकारी मुलाजिम हो उन्हें भी आज ड्यूटी पे जाना पड़ा इसी के लिए, क्योंकि देश को स्वच्छ बनाना है। हमें ये जो कार्यक्रम है ये एक दिन के लिए नहीं करना है, हमें ये 365 दिन ये कार्यक्रम आयोजित आगे करते रहने ताकि देश स्वच्छ हो। हमारा देश एक दिन से स्वच्छ नहीं बनेगा, हम एक दिन झाड़ू उठा के सफाई करेंगे, हमें हर एक चीज़ को हर एक दिन 365 दिन में समझना होगा, और साथ में लीप ईयर में 356 दिन इसको देखना होगा कि किस तरीके से हमारा देश स्वच्छ होगा। और साथ में सारिका महाजन, शाहीन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल लोडा। एक्चुअली 15 सितंबर से मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं 2 अगस्त को गांधी जयंती होती है, 15 अगस्त से लेके गांधी जयंती तक एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान, उसी रिलेटेड हमने एक रैली निकाली है। इस स्वच्छ भारत अभियान में हमने अपने स्कूल मतलब अपने जहाँ पे जैसे हम घर में रहते हैं घर से स्टार्ट करना है, फिर जैसे मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ हमने स्कूल से देन स्कूल की साफ़ सफाई करनी है, मतलब अपने हमने जहाँ रहते हैं अपने हमने सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन करनी है, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, बहुत सी चीज़ों से हम बच जाएंगे, बहुत सी डिजीज़ से हम मतलब ओवरकम कर जाएंगे। सो इस वजह से हमने रैली निकाली है, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करें ताकि वो मतलब सारे अपने सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन रखें, जिस वजह से हम पोल्यूशन भी रुक जाए मतलब कम हो जाए और हमारी सराउंडिंग्स भी क्लीन रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।